और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, जहां मुरैना से कांग्रेस विधायक राकेश मावई का टिकट कट गया है। मुरैना से कांग्रेस विधायक हैं राकेश मावई, जिनका टिकट कट गया। और देखिए, पहले से ही हम बता रहे थे कि कई सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ऐसे में मुरैना से कांग्रेस विधायक का टिकट कट गया है। राकेश मावई ने पार्टी और नेताओं पर नाराजगी जताई है। तो देखिए, अब खुलकर विरोध भी देखने को मिल रहा है, बागी तेवर भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनके टिकट काट दिए गए हैं। पार्टी ने पहले से ही कहा था सर्वे के हिसाब से टिकट दिया जाएगा, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, सर्वे में जिनका नाम नहीं आएगा उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। उपचुनाव में आपको बता दें कि मुरैना सीट जीत कर राकेश मावई यहां से विधायक बने थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, क्योंकि देखिए कई विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, सर्वे में उनका नाम सामने नहीं आया, जिसके बाद अब राकेश मावई का टिकट काटा। और ऐसे में देखिए, अब पार्टी और नेताओं पर नाराजगी उन्होंने जताई है। ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगला स्टेप उनका क्यों होगा, क्या होगा, क्योंकि कई नेता हम देख रहे हैं पार्टी से नाराज हो रहे हैं, और उसके बाद बागी तेवर भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो छह विधायकों का टिकट कटे हैं, उन्हीं में से एक हैं राकेश मावई, जिनका टिकट पार्टी ने काट दिया है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक राकेश मावई जी ही फोन पर जुड़ गए हैं। हालांकि 2018 में टिकट मिला था, लेकिन इस बार कट गया है। राकेश मावई जी, क्या कहेंगे सर, नाराजगी आप पार्टी के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, टिकट आपका काट दिया गया है यहां से, क्या वजह इसकी? देखिए, मैं तो हमारे चीफ कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से उनकी सरकार गिरी, वो ये पूछते हैं कि मेरा कसूर क्या है। मैं भी पूछना चाहता हूं मेरा कसूर क्या, क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने उपचुनाव जीता और कांग्रेस को सीट दे के उनकी झोली में दी? क्या मेरा वो कसूर है कि सिंधिया परिवार से मेरा 30 वर्ष का संबंध था, मेरा स्वयं का और मेरे परिवार का 43 वर्ष का संबंध था, उसको हमने छोड़ के कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर रखा और मैंने सीट उनको कांग्रेस पार्टी को मुरैना जिले में मजबूत बनाकर रखा? क्या मेरा ये कसूर था कि मैं जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने 10 वर्ष काम पूरा करके और 2018 में कांग्रेस को 6 की 6 सीट दिलाने का जो काम किया, जिससे कांग्रेस की सरकार थी जी। क्या मेरा वो कसूर था कि मैं एनएसीआई यूथ कांग्रेस से और निकला हुआ कांग्रेस का एकलौता मुरैना जिले में विधायक था? क्योंकि जो भी विधायक है वो 3-3 पार्टी से निकल के आए हैं, बीएसपी, बीजेपी, जब जाके कांग्रेस। जो ये क्या मेरा ये कसूर था कि मेरे जीवन में मैंने 8 चुनाव लड़े हैं, पार्षद से लेके 8 जीते हैं? क्या मेरा ये कसूर था कि मैंने पार्टी का झंडा बुलंद करके कांग्रेस को जीवित करने का काम? टिकट कटा, देर रात लिस्ट सामने आई, जब आपको जानकारी मिली कि आपका टिकट कट चुका है, तो उसके बाद क्या आपने कांग्रेस के किसी नेता से बातचीत की है? अभी कोई चर्चा आपकी दिग्गज नेताओं से हुई है? और क्योंकि ये भी बताया जा रहा है बेहतर नहीं आई थी जी। ना, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से बात हुई थी जी, और उन्होंने कहा कि आदरणीय कमलनाथ जी बिल्कुल अड़ गए, तो मैंने ये कहा आपको उनको बताना नहीं चाहिए था कि दिनेश गुर्जर की 2013 में जमानत जब्त हुई, वर्तमान विधायक जो है, जो उपचुनाव जीता है, वो कमजोर है, जिसकी जमानत जब्त हुई है वो मजबूत है वहां चुनाव लड़ा के? अरे उनका 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 व्यक्ति हो सकता है, उनका 30 पुराना संबंध दिनेश गुर्जर कमलनाथ जी के हो सकती है, सरकार आने पर उनको कहीं ना कहीं ओबलाज कर देती। आज तो सरकार बनाने के लिए हमें सीट की जरूरत है, और ये नुकसान सिर्फ मुरैना विधानसभा में नहीं पड़ेगा, ये संपूर्ण जिले में नुकसान होगा। आज आप मेरी बात नोट कर लीजिए और जिस रिजल्ट आया उसने देख लीजिए। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपकी बात भी हुई है, लेकिन अब आपका टिकट कट गया है, अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्योंकि मेरा कोई स्टेप नहीं, अपने घर में बैठूंगा, मैं पार्टी के लिए कार्य नहीं करूंगा जी। पार्टी के खिलाफ कार्य नहीं करेंगे राकेश मावई जी? मैं पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। तो यानी कि आप मैदान में नहीं उतरेंगे इस बार, हमें चुनावी मैदान में राकेश मावई जी नजर नहीं आएंगे, ऐसा हम माने? बिल्कुल, मैं लड़ता तो अपनी पार्टी से लड़ता, बकाया मैं किसी दूसरी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, और ना ही मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, ना ही मेरे समर्थक पार्टी के लिए कार्य करेंगे। जो 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 जिसको टिकट दिया है उसके लिए वो जीत के आवे, क्योंकि उन्होंने मुझे उनकी पोलिंग पर मेरे 25 वोट निकले थे उपचुनाव में जी। दिनेश गुर्जर की पोलिंग पर 25 वोट निकले थे उपचुनाव में,
वहाँ के दीपक शर्मा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनके बीच निकले थे जी, है ना। तो ये लोग ये कांग्रेस थी जिसने मेरे लिए क्या किया, उसके बाद ही मैं जीत के गया। तो मैंने आदरणीय कमलनाथ जी से कहा कि सर ये देख लीजिए, आपका जिला अध्यक्ष और आपका ये किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, उनमें ये बोल रहे, उन्होंने कि तू विधायक बनेगा, इस बात को यहीं खत्म करे। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। ये कल्चर है पार्टी का जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश मावई जी, आप जुड़े हमारे साथ बंसल न्यूज से, आपने बातचीत की। तो देखिए, मुरैना से दिनेश गुर्जर को हालांकि कांग्रेस ने टिकट दिया है, राकेश मावई का इस बार टिकट काटा गया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा नाराजगी जरूर उन्होंने हाईकमान के प्रति, नेताओं के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति जताई है, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब ना मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा और ना ही पार्टी के लिए काम करूंगा, ये भी उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है।